कैंट पुलिस ने अंतर जनपदीय व लूट चैन स्कैनिंग करने वाले चार शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से दो पिस्टल, 32 बोर के दो जिंदा कारतूस व चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। अभियुक्तों के पास से लूट की दो अदद सोने की चैनें भी बरामद हुई। पकड़े गए अभियुक्तों में यीशु, संदीप व दानिश पर दर्ज हैं कई मुकदमे, जबकि निर्भय का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। पकड़े गए अभियुक्तों को मीडिया के सामने SSP ने कैंट थाना परिसर में किया पेश। प्रेस वार्ता में SP सिटी दिनेश सिंह, SP क्राइम ज्ञानेंद्र सहायक, पुलिस अधीक्षक CO कैंट डॉक्टर अनिल कुमार भी रहे मौजूद। ये आज कैंट पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें भविष्य में होने वाली एक दो घटनाओं को रोकते हुए चार अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम यीशु गौड़, संदीप सोनकर, निर्भय सिंह और दानिश खान है। ये यीशु गौड़ जो है थाना कैंट का रहने वाला है, संदीप को सोनकर लंका थाने का रहने वाला है, निर्भय सिंह लंका थाने का रहने वाला है और दानिश खान जयपुरा जनपद वाराणसी का रहने वाला है। इन चारों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है, ये पूर्व में लूट जैसी घटनाओं में जेल जा चुके हैं और इसमें से संदीप सोनकर एक 376 के मुकदमे में सज़ा इसको हुई थी 10 साल की और इसको हाईकोर्ट के द्वारा जमानत पे ये बाहर था। इनके द्वारा शहर में कई चेन स्नैचिंग की घटनाएं की है और कई घटनाएं इस तरह की इन्होंने की है, जिसमें से इनसे एक लूट और चेन स्नैचिंग की दो चेन बरामद हुई है, दो पिस्टल 32 बोर के बरामद हुए हैं, कुछ कारतूस बरामद हुआ है, एक बिना नंबर प्लेट की अपाची गाड़ी बनी बरामद हुई है और एक CBR होंडा गाड़ी इसमें इन लोगों के कब्जे से बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि शिवपुर थाना क्षेत्र, सारनाथ थाना क्षेत्र में एक महिला को धक्का मार के चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उसमें ये अभियुक्त शामिल थे। इसके अलावा LT कॉलेज तिराहा पे भी एक औरत को धक्का मार के चेन स्नैचिंग की घटना की थी, उसमें भी ये लोग शामिल थे। इनके द्वारा एक ये भी योजना बनाई गई थी, एक प्रतिष्ठित संस्थान से 10 से 15 लाख रुपए का कैश जाता है, उस कैश को लूट करने का भी इनके द्वारा प्लान बनाया गया था और इसको जल्दी ये अंजाम देने वाले थे। इनके प्लानिंग में ये भी था कि पुलिस के द्वारा सक्रियता बढ़ी है और 15 अगस्त तक और अधिक सक्रियता रही थी, तो इन डेट्स को छोड़ते हुए अन्य डेट्स पे अपराध करने का भी इनका प्लानिंग हुआ था। आज इन चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें से दानिश खां के खिलाफ 6 मुकदमे हैं, यीशु गौड़ पे 3 मुकदमे हैं, संदीप सोनकर के ऊपर 4 मुकदमे हैं। इस तरह से ये एक शातिर अपराधी थे जिनके द्वारा शहर में कई घटना करने का योजना बनाया जा रहा था। इसके अलावा बिहार में भी एक व्यक्ति को हत्या करने के लिए ये प्लान में शामिल हो गए थे और इस घटना को भी अंजाम देने वाले थे। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करने के कारण भविष्य में होने वाली कुछ गंभीर घटनाओं पे रोक लगी है और इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए भी थाना इंस्पेक्टर कैंट